ये दीपावली बहुत ही खास है क्योंकि हम 2 से 3 भी होने वाले हैं। धोखा देने वाला काम चल रहा है जो लड़कों को धोखा दिया जाता है अमूमन। Hey family, good evening and welcome back to our blog channel, Mr. and Mrs. Prashun. तो दोस्तों एक बार सभी को फिर से दिल से हैप्पी दिवाली। और पीछे देख सकते हैं गाइज यहाँ पे हो रहा है डेंटिंग पेंटिंग, हालांकि मैं रेडी हो चुका हूँ। एज वेल निशा को तैयार कर रही है रिया। रिया कौन है ये तो आप सभी को पता है। रिया मेरी प्यारी सी स्वीट सी साली है जो यहीं पर स्टडी करती है और जो MBA कर रही है। दिखने में तो नहीं लगता रही, जरा देखो करीब कर लो। बट ये देखो गाइज इस तरह से धोखा देने वाला काम चल रहा है जो लड़कों को धोखा दिया जाता है अमूमन। और कोई नहीं, ये धोखा बहुत खूबसूरत होता है लाइफ का, सभी को खाना चाहिए ऐसे धोखे। बट चलिए कोई नहीं गाइस, अभी चल रहा है पूरी तरह से प्रिपरेशन घर पे और आज है शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली। तो बस गाइस समझ सकते हो। बाकी देखिए गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डेकोरेट कर रहा हूँ घर को और अभी करना बाकी है, तो बाकी आप लोग बने रहें। सोचे कि सचिन भाई के प्लॉट पे आज भी लेबर कुछ काम कर रहे, तो हम सोचे कि क्यों ना जाके उनको कुछ स्वीट्स खिला दिया जाए, क्योंकि गाइस इस फेस्टिवल पे भी क्या बाबू मेरा ड्रेस दिखा दिया। गाइस इसका ड्रेस देख लीजिए आप लोग, प्यारी लग रही बहुत। बट अभी चलते सबसे पहले जाके और जो लेबर काम कर रहे हैं उनको, क्योंकि गाइस इस फेस्टिवल के मौके पे भी वो घर ना जाके और आज काम कर रहे हैं हमारे लिए, तो राइट बनता है कि उन्हें भी मिठाई खिलाऊं। तो अभी चलता हूं। देख सकते हैं प्लॉट पे पहुंचा तो यहां पे मस्त लेबर लगे हुए काम चल रहा है अभी। और मेरे ख्याल से अब कल तो नहीं लेकिन परसों शायद ढलाई हो। मिठाई खिला दो लीजिए और आप लोग का हैप्पी दीपावली, और आप लोग खाइए दीपावली मनाइए। चलिए गाइस तो अब चलते हैं, इनको दे दी मिठाई, सभी को विश करे। ये निशा का भाई है दादा, बताओ तो अभी तक जो लाइट जल रही है आगे की वो निशा को बिल्कुल भी नहीं पता था पिछले ब्लॉग में आपने देखा, अभी बहुत खूबसूरत लग रही है। और निशा को दिखाता हूँ मैं, ये देखो गाइस कितनी खूबसूरत लग रही है, पूरी लाइट लगवाई मैंने और बहुत अच्छा लग रहा है। बट अगर निशा देखेगी तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो आई एम फाइनली रेडी और ये रहा मेरा दिवाली का लुक। ये ड्रेस मैंने बहुत वो करके लिया, मतलब बहुत मेहनत से जाके, मेहनत से गाइस परेशान हो गया था मैं जाके एक लाइन पे। ये नहीं पसंद आ रहा है, वो नहीं पसंद आ रहा है, मैं तो भाई सोचू आधा घंटा हो गया। और इस कंडीशन में ये भी है आधा घंटा मेरे साथ खड़ी है। नहीं आधा घंटा, पूरा दिन साफ सफाई किया, थक गए थे एकदम एग्जॉस्टेड। बट शॉपिंग की बारी आती है तो भाई फुल ऑन एनर्जी था कोई। लेकिन मैं थका, मेरे लग रहा था क्या, क्योंकि मैं तो कुछ खरीद नहीं पा रहा था, मतलब मेरे लिए तो शॉपिंग भी नहीं। हाँ मुझे थोड़ा इनके लिए बुरा लग रहा था, इसकी मेरी शॉपिंग अब बच्चे के लिए करते हैं। नहीं भाई मैं तो अपने लिए शॉपिंग करती थी, तो अभी नहीं करूंगी तो कैसे बुरा भी लगता है। तो पापा जी ने पैसे भेजे तो वो मैंने बोला कि मुझे शॉपिंग करनी है तो भेजा उन्होंने, क्योंकि हम लोग मैच नहीं कर रहे हैं। बट मुझे अच्छा लग रहा है, इनका ऐसा कलर का शर्ट था मैंने बोला आप वही डाल लो, बट इनको कुर्ता पजामा पहनना था तो अच्छा लग रहा है। और बाकी हमारे घर में लाइट्स भी लगी हुई है जो इन्होंने सरप्राइज दिया है मुझे, वो भी दिखाती हूं। कहाँ गए लाइट, ये रहे गाइस, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अंदर में अभी भी वो लोग तैयारी हो रहे, तनु भी तैयार हो, खाना भी बनाना है, पकवान भी बनाना है, रंगोली भी बनानी है, तो ऑल ओवर बहुत सारा काम है। बीच में ब्लॉगिंग भी करना है। आप लोग को भी ढेर सारा दिवाली की शुभकामनाएं गाइस। और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो रंगोली डेकोरेट करने की तो एक्चुअली निशा से तो पॉसिबल नहीं अभी, तो आज करेगी तनु दीदी। और तनु दीदी सब में बहुत क्रिएटिव है। तनु दीदी जरा देखिए इधर मुंह दिखाइए, बहुत क्रिएटिव है गाइज, अभी नंबर 1 मेडल जीत के भी आई है। तो चलिए इनको बनाने देते हैं, बन जाएगा तो आपको दिखाते हैं। अब प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे दीप जलाने की, तो बस अब तैयारी सारी हो जाएगी कंप्लीट। और यहाँ पर देखिए आई हुई है प्रियंका भी। तनु का रंगोली चल रहा है यहाँ पे देख लीजिए मस्त, और मैंने लिखा है यहाँ पे शुभ दीपावली। तो गाइज टू ब्यूटीफुल लेडी देख लीजिए, यहाँ पे लेडी रेडी हो गई हैं और ये मस्त दिया भी है, सारा कुछ कर दिया है ओके। पहले जो हमारी माता रानी है उनका आशीर्वाद लेंगे, घर वालों को तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हम लोग गाइज। तो माता रानी के पास दिया जला दियो आप। चलो बहुत अच्छा, तो माता रानी के पास एक दिया हम लोगों ने रख दिया, बाकी अब चलेंगे निकालूंगा इसी में से। तो गाइस सचिन भाई नहीं है, बट हम लोगों ने उनके एब्सेंस में पूरे घर को अच्छे से एकदम डेकोरेट साफ सफाई से लेकर सारा कुछ सजा दिया है। और एक चूल्हा पे भी रखते हैं, हमारे घर का रिवाज है, रखते हैं, बाकी चलते बाहर। चलो चलो
दीप ही नजर आ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अभी कैंडल जलाना बाकी है, कैंडल प्लॉट पे भी जाना है अभी हमें। सचिन भाई तो है नहीं, वहाँ पर भी जाएंगे, बाकी अभी जल्दी जल्दी कर रहे हैं कंप्लीट। रंगोली भी रेडी हो चुका है और यहाँ पे देखिए लवरूप सभी आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत हमारा चल रहा है अभी सेलिब्रेशन दीपावली का। और ये दीपावली बहुत ही खास है क्योंकि हम 2 से 3 भी होने वाले हैं। तो क्या रिया, रिया बनने वाली है मासी, और तनु तुम क्या बनने वाली हो, बुआ? तो बुआ भी यहाँ पर है, मासी भी यहाँ पे है, ये कह रही है कि होना चाहिए, ये कहती है कि मैं आप भैया भी है जीजू भी है, ये दोनों इस तरह से है क्योंकि निशा को कभी कभी दीदी बोल देती है। तो कोई नहीं गाइस, बाकी बहुत खूबसूरत लग रहा है और अभी प्लॉट पे जाएंगे हम लोग और बाकी पूरे बच्चे हैं मंडली। आजा ये सारी मंडली है, मैं सबसे आपको मिलवाता दिखाता हूँ। आप देखिए गाइस, इतनी सारे खूबसूरत खूबसूरत से चेहरे देख लीजिए एक बार, और इनके साथ दीपावली मनाने का एक अलग एक्सपीरियंस है, एक दूसरे स्टेट में गाइस। तो ये जो प्यार मिला वो अनफॉरगेटेबल है हमारे लिए, मतलब बता नहीं सकते, है ना? एक बार जोर से बोलो वू! वू! चलो गाइस, बहुत मजा आया। यहाँ पे निशा खिला रही है स्वीट्स, वाह माने को भी दे दो, ये ले लो माना, अच्छे से उठाओ, ये लो आधा ही उठाई, खाओ। ये संजू मामा की बेटी है क्या? अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? जागृति। वाओ, जागती रहती है ये, जागती रहती है। चलिए बहुत अच्छा लगा। ड्रेस ओ ड्रेस कर, तो ऐसा नहीं कि 2-4 खाओगे एक ही मिलेगा है ना? तो गाइस ड्रेस के साथ मैच कर गए रसगुल्ला, माना भी है यहाँ पे सभी, क्योंकि अंकल आंटी सभी है यहाँ पे, तो मम्मी जी बहुत प्यार करती है। गुलाबी गुलाबी बेबी मिले, तो गाइज बस ये प्यार है, बहुत मिस करेंगे हम लोग, एक इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है कि जाएंगे तो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। चलो बहुत ही अच्छा लगता है गाइज, और ये लवरूप की मम्मी है। अब बारी है पटाखों की, और दल थमाल थाम लिए है मेरे भाई। ओ वो भाई साहब पूरा दल थाम लिए हैं अधिराज बाबू, ये देखो कितने मजे ले रहे हैं सभी के सभी। ओ बाप रे, ओ भाई सभी डर गए। ओ भाई साहब, ओए आवाज भी करती है, वू! ये दिवाली की जो हमारी क्या बोलते हैं, लेट से है दिवाली देने यानी हमारा था कि माना को गिफ्ट देंगे हम लोग, तो छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट है माना के लिए, लूना के लिए, कनू के लिए, और ये मैम के लिए, सर के लिए। तो चलते हैं अभी हम लोग सबको उनके घर पे, और आप लोग बने रहो, खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिएगा गाइस। पूरा एकदम देख लो गाइस क्या कर रहे हैं, पूरा पटाखा ये ऐसे बिखेर के भाई साहब, पूरा यश पूरे पटाखे फोड़ रहे, देख लो पूरा लगा हुए सारे पटाखे। नूना चल आ जा, नूना तेरे लिए आ जा, जल्दी घर पे आ जा, ये देखो चक्री, इतने सारे पटाखे भाई साहब। हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, सभी आ चुके हैं माना के घर पे दिवाली सेलिब्रेशन गिफ्ट लेके, और मैम यहाँ पे पूजा कर रही है, देख लीजिए। सर कहाँ पे है? ओए तेरी, हम लोग आए थे चरण स्पर्श करने के लिए सर के, ओए लगता है आधा घंटा बाद आना चाहिए था, हमें खाना भी मिलता कुछ खाने के लिए। ये मैम आप बोल, कोई नहीं तो गाइज ये है माना का प्यारा सा घर, देख लीजिए यानी हमारा घर। एक्चुअली गाइज इस घर के हम भी ऑनर है, क्योंकि मैं इन्होंने मुझे अपना बेटा अडॉप्ट कर लिया है, तो इसीलिए आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ सब, थोड़ा अच्छा लगेगा, सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आएगी। ओह माय गॉड, मैं भी चरण छू लूं, जरा पकड़िए, चरण छू रहे हैं हमारी, नहीं मेरी देख,
अच्छा सर से बात दीजिएगा ठीक है अब तक हम बड़े हो गए जल्दी जल्दी से भगवान पे बहुत मिस करूंगा मैं सच में यहां से चला जाऊंगा ये माना के पापा है गाइस हैप्पी दिवाली ये अभी मैं बनाऊंगी वाओ 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 ये ना आपको बनाना चाहिए सभी कमेंट कर रहे हैं कि 1 ट्रिलियन फॉलोअर अरे सर बिग फैन सर सेल्फी ले लो सर बस सेल्फी ले लो सेल्फी खिंचवा लो देखो कुछ खाने के लिए आ ही गया फाइनली कुछ खाने के लिए चलिए जल्दी जल्दी हमारे लिए डेली का है बाकी माना एकदम मस्त अपने अंदाज में तो गाइस बहुत ही अच्छा लग रहा है और अभी यहाँ पे माना की मम्मी को देख लीजिए माना माना बिटुआ आ गए अरे हाथ कोई नहीं कोई बात नहीं गाइस आटा लगा हाथ में क्या हो गया यहाँ से निकलने की बहुत बहुत धन्यवाद ये दिवाली बहुत ही मेमोरेबल रहेगी सच में क्योंकि गाइस फैमिली से दूर है बट यहाँ पर भी एक प्यारी सी छोटी सी फैमिली बन गई है जिसे हम और निशा बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं है ना मतलब एक तरह से देखे तो माँ का रोल ये हमारी अदा कर देती है पापा का रोल पुष्पेंद्र सर है जितना मैं पापा से डरता हूँ उतना उनका भी रिस्पेक्ट कर लेता हूँ और ये बड़ी बहन जैसी है लेकिन एक्चुअली मेरे से छोटी है बहन ने मम्मी बन सकती है और एक बहन ने बहन ये कैसे हो सकता है आप बताइए बड़ी बहन माँ के समान होती है कंट्रोवर्सी चलेगी बस गाइस ये अपन अपन है प्यार है और कुछ भी नहीं दिवाली के दिन कुछ ऐसा हो गया अचानक से घर के माँ की याद आई और यहाँ पे माँ प्रकट हो गई साक्षात सभी माना के घर से आ चुके हैं और आने के बाद अब है डिनर प्रिपरेशन की बारी और डिनर प्रिपरेशन के बाद होगा हमारा खूब सारा डांस मस्ती ये देखो गाइस ये देखो ये कोने में खोपचे में है मैं कुछ और ही सोच रहा था चलो कोई नहीं गाइस अब चलते हैं हम लोग किचन में और निशा भी आ चुकी है और अब देखिए हमारा आज बहुत सारा कुछ है हालांकि मिक्स वेज है वो मैं बनाऊंगा और निशा बनाएगी पकौड़े निशा और तनु चावल दाल पकौड़े आज के यही है बहुत मजा आएगा बस आप लोग बने रहे और खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिएगा दाल तो बन चुका है और अब बारी है पकौड़े की तो निशा मस्त तल रही है ये देखिए पकौड़े डिलीशियस एकदम आलू है और क्या क्या है बाबू जरा बताइए आलू है लौकी है बैगन है गोभी है और यहाँ पे देखिए गाइस प्याजू भी है तो आज एकदम आज तो भाई गर्दा उड़ा देना है ना और गाइस मैंने यहाँ पे मिक्स वेज भी बना दिया देख लीजिए यहाँ पे एकदम मस्त हमारा मिक्स वेज रेडी हो चुका है बस खाना है और उसके बाद करेंगे डांस बहुत सारा रील शूट करेंगे और आप लोग खूब सारा प्यार सपोर्ट करते रहिए ऐसे